हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत और मेरा म्यूजिटेक संजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज एक पैच लाए हिंदी सॉन्ग। सबसे पहले गाना सुनिए। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। सुन लिए, दिल में हो तुम, आँखों में हो तुम, ठीक है। तो ये पैच लाए हैं और ये पैच का आपको एडिटिंग भी मिलेगा और फुल परफॉर्मेंस भी मिलेगा कैसे बजाना है, और इसका एडिटिंग भी लास्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न है पूरे गाने में, बस यही पैटर्न बजा है। अब बजाने का तरीका देख लेते हैं कैसा है, ठीक है ना। आर डी पैटर्न है इसमें, इसमें उसके बाद ये चलेगा यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ जाएगा और ये जाएगा यहाँ से यहाँ और रनिंग करेगा इसमें और फिर इसी में आएगा, ठीक है। तो ये आर डी बर्मन पैटर्न है। ढिक चक ढिक चक ढक टू ढिक चक ढक टू ढिक, इस टाइप का कुछ बोल है। जैसे भी आपको याद होता है कर लेना है। सबसे पहले आपको रिदम भी याद रहेगा तभी आप बजा पाइएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बजा के देखते हैं। सबसे पहले सोलो, ये पे शिखर ये लगा हुआ है, लूप्स लगा हुआ है, तो सोलो बजाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लूप्स मैच नहीं करता है, ठीक है। तो इस पर आप गौर मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए सोलो बजाते हैं क्या होगा। अब आइए इसका पैच एडिटिंग देख लेते हैं। तो पैड नंबर 1 में देखेंगे फ्रेंड्स, हिट करेंगे सबसे पहले, देखते हैं। IN045 यानी इंडियन 45 नंबर का है, ठीक है। लेबल इसका देखेंगे 62 है, पैच है 0 है और DK35 है, ठीक है। बी बैंक इसका ऑफ, और बी बैंक में देख लेते हैं, बी बैंक ऑफ है, ठीक है। अब चलिए इसका पैड नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट है TM032 यानी T21, ठीक है। लेवल 87, पिच +7, DK83 और इसमें MFX2 में लगाए हैं जिसमें रिबर्ब है 49 है, ठीक है। पैड नंबर 3, T21, लेवल 87, पिच 0, MFX 36, DK60 और इसमें भी रिबर्ब लगा हुआ है। पैड नंबर 4, L78 है, लेवल 0, और ये लेवल 0 ही रखना है। अगर लेवल आप 1 पॉइंट भी खोल देंगे तो ये म्यूट वाला काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ शेखर बज रहा है लूप, वही सेम चीज़ को असाइन करना है इसको बंद करने के लिए, लेकिन इसका वॉल्यूम 0 रखना है। अगर आप +1 कर दिए तो बंद, ये म्यूट नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना है। तो लेवल 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद बी बैंक में देखते हैं, सिंबल है मतलब CR C02, लेवल की बात करें तो 81, पिच +4 है,
C02 लेवल 81 पिच प्लस 4। डीके 64, ठीक है। पेड नंबर 5 B47 किक लेवल 103 पिच माइनस 2 डीके 66, ठीक है। बी बैंक I15 यानी इंडियन 023 या I15 है ना, लेवल 107 पिच माइनस 2 डीके 61, ठीक है। पेट नंबर 7 S72 है, लेवल 83 पिच प्लस 2 डीके 100, और इसमें MFX2 रिवर्ब लगाए हैं जिसमें MFX सेंट 15 है। बी बैंक देखते हैं, बी बैंक में E05 है यानी S016 या E05, लेवल 70 पिच प्लस 3 डीके और MFX 40 या 74 है, और डीके देख लेते हैं डीके 100 है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पैड नंबर 7 L78 है, शेखर लूफ लेवल 63 पिच माइनस 1 डीके 1, ठीक है। बी बैंक देखते हैं, बी बैंक में है H27 लेवल 88 पिच माइनस 1 डीके 61, ठीक है। अब पेड नंबर 8 इंस्ट्रूमेंट I08 लेवल 67 पिच माइनस 1 डीके 77, बी बैंक H28 वॉल्यूम 99 पिच प्लस 1 डीके 67, ठीक है। इतना सारा हो गया। उसके बाद और एक क्या है फ्रेंड्स कि अगर ये वाला आप यूज कीजिएगा तो इसमें यूज करने के कीजिएगा तो क्या है कि इसका यही वाला को आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करके आपको कहाँ पे ले जाना है, ट्रिगर नंबर 1 में, उसके बाद वो ट्रिगर नंबर 1 को इससे लिंक कर देना है और यहाँ वाला, ठीक है, यही वाला इसको कॉपी करके ट्रिगर नंबर में 1 में लिंक कर देना है, कॉपी करके सेंड करना है और 1 को इससे पेड नंबर 6 से लिंक कर देना है, बस इतना ही करना है। अब चलिए इसमें रिवर्ब देख लेते हैं MFX में क्या है। MFX में है फ्रेंड्स रिवर्ब, देख लीजिए ये रिवर्ब टाइप है और एम्बियंस सेंड 122 है, स्टेज 2 रिवर्ब लगा हुआ है, प्री डिले 1.0 मीटर सेकेंड है, टाइम 89 है और HFD एम्पली बाईपास है, लो गेन 0 है, हाई गेन 0 है और लेवल 94 है, ठीक है। और इसमें टोम में फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इक्वलाइजर किए हैं, इक्वलाइजर में किए हैं तो क्या किए हैं कि आप इक्वलाइजर जाइएगा इसको और इक्वलाइजर में जो लो होगा उसको बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे इक्वलाइजर आ रहे हैं तो देखिए इक्वलाइजर मेरा ऑन है और तो ये पीच का है, मतलब ये पैड ये पैच का इक्वलाइजर हम यूज नहीं किए हैं इसलिए वो बता रहा है। पर्सनल इक्वलाइजर ऑन है मेरा, तो देखिए टॉम के साथ इक्वलाइजर हम लगाए हैं बी बैंक में, तो देखिए ऑन है। अब ये लो को प्लस 4 कर दिए हैं और मिड गेन को माइनस 1 कर दिए हैं और हाई गेन को माइनस 12 dB कर दिए हैं। इसमें 13 dB है, इसमें 12 dB है और मिड इसमें दोनों में सेम है, माइनस 1 dB और लो गेन दोनों में सेम है। तो इतना चीज करना है और ये चलिए इसका लूप्स है ये देख रहे हैं और इसका स्पीड अगर देखें तो इसका पिच जो है माइनस 1 है, ठीक है। तो ये पैच एडिटिंग है, आपको इसको एडिट कीजिए और बनाइए और बजाइए, और किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
और इसी तरह का मैं गाने का फुल परफॉर्मेंस और एडिटिंग वीडियो डालते रहूँगा ताकि आपको तक इजली से पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।